So hey guys, welcome back to the channel and welcome again to 2023. Sorry, भैया थूक चला गया. So guys, hello guys, welcome back with another video of 2023. And इस बार मैं जा रहा हूँ गुम्बड़ कैफे. पिछली बार मेरे को जाने नहीं दिया था because जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना क्यों नहीं जाने दिया था. बाकी इस बार देखते हैं जाने देंगे या नहीं देंगे. तो गुम्बड़ कैफे जो है काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है. सामने ही जामा मस्जिद के सामने है. ये देखो सामने अभी जामा मस्जिद है और फेमस इसलिए है क्योंकि उसका जो व्यू है गुम्बड़ कैफे का वहाँ से जामा मस्जिद दिखता है. तो काफ़ी लोग आते हैं. अगर आप लोग जामा मस्जिद आ रहे हो एंड गुम्बड़ कैफे मतलब कैफे स्पेसिफिक कैफे के लिए आ रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि स्ट्रीट फूड भी ट्राई करना. ये नहीं कि कैफे का फूड ट्राई करो. कैफे का फूड थोड़ा महंगा भी रहता है बट आप स्ट्रीट फूड में जाओगे तो उससे अच्छा भी मिलेगा. तो भाई बहुत लोग एक कमेंट आ रहे थे कि आप यार इंडिया के व्लॉग क्यों दिखा दो, बाहर का भी दिखाओ. तो उन भाइयों के लिए दो व्लॉग आएंगे, एक इंडिया का दिखेगा और एक यूके का इसी वीडियो के अंदर. तो दो कंट्री के व्लॉग दिख रहे हैं भाई, आप वो मानो अपने आप को सौभाग्यशाली. गाइस जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी थी मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ और ऊपर भी आपको लिंक दिख जाएगा, तो पिछली वीडियो देख लेना. बाकी वो रहा सामने मेरे गुम्बड़. तो सामने में गुम्बड़ कैफे है एंड मैंने बुला रखा था किसी को, देखता हूँ आया ही नहीं आया. तो गाइस एंट्री जो है पर्सनैलिटी के बेसिस पे नहीं है तो इसमें मैं मात खा गया वरना मेरी एंट्री जो फ्री हो जाती. बट यहाँ पे कह रहे कि अगर बंदी है तो फ्री एंट्री है बट अगर स्टैग आ रहे हो तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे कवर चार्ज. हाँ चाहे टोटल 5000. तो यार डिस्काउंट तो करवाओ. 1500 होता है, 1000 बता रहा हूँ बिना कंफर्म करे. ऊपर एक बार कर तो लो, पांच बंदे अभी दो तीन बताए और बोलेंगे 7 बताओ. 400-1500 पर बंदा. 1500 होता है लेकिन मैं पर पड़ते 1000 बता रहा हूँ आपको. तो यहाँ पे कैफे भी है और भाई रूम भी है, मतलब रूम भी ले सकते हो अगर बंदी उन्नी के साथ आ रहे हो तो. ओह माय गॉड बढ़िया. तो भाई आधे लोग जो पागल हैं वो व्यू के चक्कर में हैं तो यहाँ पे व्यू के लिए आते हैं मेरे लिए ना. तो अभी दिखाता हूँ थोड़ा व्यू, बाकी कैफे और मेन्यू दिखाता हूँ. मेन्यू कैसा है, मेन्यू कार्ड ठीक हो आप? गाइस मैं रो नहीं रहा, मेरे को जुकाम हो गया तो ये जुकाम है. जिसे लग रहा था मैं रो रहा हूँ वो उसे सिंपति देने के लिए लाइक कर देना. बाकी वीडियो आगे बढ़ाते हैं. हुक्का कितने का है? टैक्स है, टैक्स भी बता रहे. तो टोटल कितना पड़ जाएगा? 1725. तो भाई हुक्का मंगा लिए, 1725 का है. हालांकि महंगा है, काफ़ी महंगा है 1725. बट कोई नहीं भाई, शौक पहले है, शौक नहीं दबाते हम, ये अपने में खासियत है. दूसरी चीज़ खाना मंगा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन बैठते हैं. आपसे एक कह रहा था कि हम पिछली बार आए थे हमें घुसने नहीं दिया था, तो ये वाली जो कहानी हम भाई से सुनेंगे खुद ही क्योंकि ये भी थे हमारे साथ. तो भाई बताओ फिर सीन बताओ. पिछली बार घुसने नहीं दिया था, वो दूसरे वो मेरठ से आए थे भाई. इस बार भी मेरठ से आए, इतना दूर मैंने फोन करा भाई को तब जाके आए, मैं आ नहीं रहे थे. और आज बहुत बहुत खुश हूँ भाई, आ नहीं रहे थे. मैंने भाई रिक्वेस्ट करी भाई मेरठ से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर ये आया है. तुम्हारी भी लेनी है? सो गाइस मैं व्लॉग बना रहा था, भाइयों का प्यार मिल गया, भाइयों ने कहा हमारी वीडियो बनाओ. भाई हाय, ये हमें नीचे मिल गए थे तो ये भी आ रखे हैं तो इनका अलग है. बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक तरीके कपल एरिया है ये वाला जो है. अगर आप कपल के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे बैठ सकते हो और अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो. सो फैमिली के साथ अलग सेक्शन बना रखा है इन्होंने, वो रहा. वहाँ पे जाऊँगा नहीं क्योंकि यार फैमिली आ रखी है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. तो ये फैमिली सेक्शन है और कपल भी बैठ सकते हैं उधर अगर आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है ना अपने भी मतलब बाबू बेबी के साथ. ये रहा सामने का व्यू जामा मस्जिद और वॉशरूम जो है नीचे है. कई लोग होते हैं वॉशरूम यहीं पर ही होगा बट नीचे है, आपको नीचे जाना पड़ेगा तो इस बात का खास ध्यान रखना होगा आपको. गाइज आपको एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं भाई कितना हिसाब बैठेगा पहले से सोच के आते हैं, तो देख लेना क्या करना है आपको. sick.
work without stone. Talk, talk to throw a bone. तो भाई हुक्का मंगा लिया, 1725 का है, भले ही बहुत महंगा है बट कोई नहीं, तुम्हारे भाई के शौक के आगे बहुत ही। तो मैं भाई तुम लोगों के लिए भाई इतना सब दिखा रहा हूँ, जितना प्यार मैं दिखा रहा हूँ उतना प्यार आप भी दिखाओ एक हाथ। तो भाई अपना एक हुक्का आ गया है 1725 का है, भले ही चोट लग रही है दिल में बट कोई नहीं। और भाई अगर मैं यहाँ से एक हाथ से प्यार दिखा रहा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो दूसरे हाथ से आपका भी वो बनता है कि आप भी प्यार दिखाओ। बाकी दूसरी चीज़ आ गई है, पिज्जा मंगाया था, ये अपना बारबेक्यू पिज़्ज़ा 545 का था, और ये हुक्का। बाकी अब खाते हैं और आपको टेस्ट रिव्यू देते हैं फिर। कैसा है भाई हुक्का? बढ़िया हुक्का, एक नंबर, केड़ो केड़ो, बहुत बढ़िया। तो भाई अपना बिल आ गया और ये बिल बैठ रहा है यार। ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता है और पेट भर खा सकते हो लिमिटेड अमाउंट में। तो यहाँ पे मैं आया था, देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे भाई तेरा भाई वहाँ कैफे में खा रहा है, तू यहाँ पे खा रहा है तेरी खाली। तो अभी जामा मस्जिद की स्ट्रीट में मिल रहा है, कितने का ये? 50 का है। बढ़िया है, हाँ। कोई नहीं, विदाउट शुगर कैसा है? चलो कोई नहीं, मैं नहीं खा रहा भाई, यही है। जैसा कि तुम्हें पता है मैं फ्री का खाता नहीं। मीठा था वो भाई, वो बहन के बड़ा चूते यार, क्या कर रहा है? और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट रिव्यू मेरा ये है कि अगर आप घूमर जा रहे हो तो हुक्का मत पकाना, क्योंकि भाई 1725 का हुक्का। सो गाइज दिस इज द क्राउड, अगर आप जामा मस्जिद आ रहे हैं यहाँ पे आपको थोड़ी भीड़ भाड़ मिलेगा, बट यहाँ का मैं फूड कह सकता हूँ कि एक नंबर है, आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आपको डेली में मतलब वीडियोस देख रखे होंगे आपने यूट्यूब में लोगों की। ये देखो अच्छा गाइज, मैं गुम्बड़ कैफे गया था, वहाँ मेरा पेट नहीं भरा, हुक्का की चोट लग गई मेरे को। तो अभी कुरेशी कबाब से ये खा रहा हूँ कबाब। बाकी अगर आप जाते हो, खाना बढ़िया था, पिज्जा ही खाया था और तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि 3065 का बिल आ गया था उसी के अंदर। और बाकी थोड़ा प्राइस हाई है, अगर आप एम्बियंस वगैरह की बात करोगे तो बढ़िया है, और पिज्ज़ा जो था वो भी अच्छा था, हुक्का भी अच्छा था, स्वाद आ रहा था। बाकी आपके ऊपर है गाइस, मेरी एक बच्ची थी, मैं आपसे क्या ही छुपाऊँ बट मैं आपको बता रहा हूँ, शादी हो गई थी तो एक बेबी हो गया था मेरा, तो ये रहा बेबी जो है। तो गाइस मेरी बच्ची है 3 फीट की, फुल लाभ उठाती है फ्री का मेट्रो सर्विसेज में जी, तो इसे सपोर्ट करो गाइस, ताकि इसका मैं बिल जो है स्कूल की फ़ीस भर पाऊँ और कॉलेज की फ़ीस भर पाऊँ, और इसके बंदे का खर्चा खुद ही भरेगी। अच्छा ब्लॉग जो है वो एंड करते हैं, सॉरी गाइस अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, या आपने अजम्पशन बना लिया कि ब्लॉग एंड हो गया है, तो यही आपका फेलियर का कारण है अगर आप फेल हो रहे हो तो अजम्पशन मत बनाओ। तो अब मैं कैफ़े के बारे में बता देता हूँ, मैंने कैफ़े के बारे में बताया नहीं। पहली चीज़ स्टैग एंट्री, अगर आप लड़के आ रहे हो तो आपको कवर चार्ज देना पड़ेगा 1000 रुपीज़, जो कि उसमें खाना भी इंक्लूड रहता है, जिसमें कि आप 1000 का खाना यूज़ कर सकते हो कुछ भी। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप कपल के साथ आ रहे हो तो कपल के साथ भाई कोई चार्जेस नहीं है, मतलब कि बंदी बना लो। तीसरी चीज़ फैमिली के साथ आ रहे हो तो फैमिली भी चार्जेस नहीं है, फैमिली के साथ आप बैठ सकते हो। चौथी चीज़, अगर आप पार्किंग करना चाह रहे हो तो उनकी एक पार्किंग है जहाँ पे आपको रुपए नहीं लगेंगे, अगर आप अलग पार्किंग करोगे तो 50 रुपीज़ देने पड़ जाएंगे। और यार अगर मैं कैफ़े के बारे में बोलूँ तो वर्थ है जाना, बट यही ना हुक्का वुक्का का थोड़ा सीन है, मतलब ज़्यादा प्राइस का है। और लास्ट चीज़ भाई रेजोल्यूशन बता देता हूँ, इस साल का रेजोल्यूशन ये है कि भाई जितने भी काम वाले, मतलब जो काम काम से मैसेज करते थे उन्हें हटा दिया 80%, 20% और रह गए वो भी हट जाएंगे,
और दूसरी चीज़ वो बाद में बताऊंगा, बट ये था मेन कि भाई जो जो काम से मैसेज करते थे उनको सबको हटा दिया, या फिर उनको हटाया भी नहीं तो मतलब ये मान लो इग्नोर मार दिया कि काम के लिए मैसेज करते तो बोल देता हूँ नहीं कर पाएंगे। तो अगर भाई आप अपने आप को एक किसी के वो बना दोगे कि हाँ ये बंदा काम करता है, तो आपके पास फ़ोन आने लग जाएंगे कि इससे काम निकलवा लूँ। तो इन चीज़ों से बचो। और अभी ब्लॉग जो है ये एंड कर रहा हूँ, इंडिया का एंड कर रहा हूँ, यूके का स्टार्ट होने वाला है। तो आप बताना कमेंट करके कि कैसा लगा दो कंट्रीज़ का, जैसे मैंने बोला था कि मज़ा आएंगे, तो इंडिया और अब यूके का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो गया। नहीं हुआ, अबे हो जा ना यूके, हो जा। वेलकम बैक टू माई चैनल, सॉरी वेलकम गाइस। और आपको अब ये जो वीडियोस दिखेंगे उसमें मैं भी दिखूंगा अभिषेक जोशी ब्लॉग के साथ। और मैं यूके आया हूँ, मुझे 3 महीने हो गए, पर मैंने ब्लॉग्स बनाना शुरू करा क्योंकि मेरे को लगा कि यहाँ आके ब्लॉग्स बनाने चाहिए, पर मैंने नहीं बनाए, उसका रीज़न मेरे को नहीं पता। तो 3 महीने मैंने स्टार्ट करे और ये ब्लॉग्स अभिषेक जोशी के चैनल पर आएंगे क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी रीच पहले आ चुकी है तो मैं उसे यूज़ करूँगा। ये लोकल मार्केट में है ग्लासगो, इसे कहते हैं लेंजी, और ये एक लेंडी मेरे दोस्त मेरे साथ, और हम मार्केट में जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ क्योंकि इस जगह मैं पहली बार आ रहा हूँ। और ये जो अभिषेक जोशी की रिक्वेस्ट पर व्लॉग बना रहा हूँ, सॉरी ऐसे बनाना था, फक कोई ना ठीक कर देंगे। उसने मेरे को बोला था यूट्यूब अपलोड करना चूते इंस्टाग्राम पे नहीं। अब देख सकते हैं पार्क, आप इंडिया की गंदी गंदी सड़कें देख के बोर हो गए होगे, तो ये अच्छी सड़कें देखे कितनी सेक्सी है ना। आगे क्या बोलते व्लॉग में, जोशी कैसे बोल लेता है यार तू, अरे फुल पावर, देख तेरी तारीफ हो रही है फ्री में, सब जानते तेरे को, आंटी भी जानती है यार, सब जानते हैं, सब आंटी भी जानती है आपको। ये अभी अभी होली वोली खेली गई है, जा कर रहे हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं हम शॉपिंग कैसे करते हैं, नज़र लग जाएगी आप लोगों की कि इतनी महंगी शॉपिंग कैसे कर लेते हैं लोग। तो हम मिलते हैं बाद में। वेलकम बैक गाइस, अभी आपने दिल्ली का मतलब इंडिया का खचरा ब्लॉग देख लिया होगा, अब आपको दिखाऊंगा मैं यूके, वो भी खचरी है, मतलब सब अपनी अपनी बढ़िया है, सबके अपने फायदे होते हैं, सबकी अपनी बुराइयाँ होती है। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में लाइक लास्ट क्लिप में आई वाज इन ऑन द स्ट्रीट्स, मैं टेस्को जा रहा था शॉपिंग करने, यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल, लाइक शॉपिंग इन द सेंस खाने वाने या कुछ खरीदने, और हम वहाँ से चिकन लेके आए, कुछ स्पाइसेस लेके आए और इधर उधर का सामान लेके आए, एग्स एंड ऑल, और मैं बाहर का चिकन खा के बोर हो गया था और रामन एंड ऑल ये सब खा के बोर हो गया था, सोचा घर पे क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मेरे पे किचन नहीं था, मैं घर का खाना नहीं खा पा रहा था, बाहर का ही खाता था। अभी तो जैसे आप देख रहे हैं मैगी बन रही है और हमने यहाँ पे चिकन मैरिनेट करने को रखा था, ये रहा चिकन, हो रहा सेक्सी। मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ, ये घर है, ये सिटी में नहीं है, ये सिटी के बाहर है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल व्यू है। सोचा हम सामने वाले आज पहाड़ों पे जाने का सोच रहे, पर आपको लग रहा है बहुत पास है पर बहुत दूर है, और यहाँ पे ऐसे कहीं भी चढ़ पुड़ के नहीं जा सकते, प्रॉपर वे से जाना होता है तो टाइम लगता है। ये मेन सिटी नहीं है, ये सिटी के काफ़ी बाहर है, तो यहाँ बड़ा खाली खाली सा शान से 5 बजे मार्केट लाइक बंद हो जाता है, ये हो जिनको डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी होती है, अकेले नहीं रह पाते, उनकी डेथ भी हो सकती है। और यहाँ पर मैं किसी को जानते नहीं हूँ, नेबर्स हैं इनके, मेरे फ्रेंड के, उनका ये घर है। और वापस से हम किचन में आते हुए, और यहाँ के नॉर्मल ऐसे किचन होता है, ये मैगी बन रही है। तो गाइस अभी बैक गाइस, और हम स्कॉटलैंड की लोकल बस में, आप देख सकते हैं इसकी भी हालत इंडिया जैसी है, कितनी गंदी हो रखी है। और देखिए मैं अपना कैमरा साफ करता हूँ, मेरा कैमरा भी गंदा हो रखा है, फॉग जम गई, मकसद देखे कैमरा साफ करने वाला, हाँ अभी भी हो, सॉरी शीशा ही गंदा था, सॉरी शीशा। तो आप देख सकते हैं यहाँ की बस है कितनी, ये बस है यहाँ की, ये डबल डेकर बस होती है, पैर चो की जो नीचे जाने का रास्ता होता है और यहाँ पे ध्यान से चलना होता है, ये देखिए नीचे जाने का रास्ता है ये, और हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, एक मिनट फिर साफ करना पड़ेगा, यहाँ ना बारिश होती रहती है। मैं सफाई वाला बन गया हूँ आपके ब्लॉग के चक्कर में, ये देखिए
और ये गरीब लोग इंडिया में वीडियो कॉल करके दिखा रहे दोस्तों को ये देखिए ये बस में हम भी दो गरीब है और नीचे है बाकी, क्योंकि हम पागल हो जाते हैं ना इंडियंस, ऊपर से व्यू देखना है। और ये नैनीताल जैसा लग रहा हो आपको, पर नैनीताल जैसा नहीं है, यहाँ आने के लिए 25 लाख लगते हैं। तो स्टॉप आ गया हमारा, ये मेरा नॉर्मल बैग है, इसके अंदर कपड़े वपड़े, क्योंकि अब मौसम कभी बदल जाता है। वो बहन आपके लिए मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर व्यूज नहीं आया ना देखे मैं थप्पड़ मारूंगा। बस आगे आखिरी स्टॉप है, यहाँ पे बस चलाते हैं। आप पीछे लोग देख सकते हैं, आखिरी स्टॉप है रूट का, इसके बाद कुछ चल के जाना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, कुछ चोटी हम पैरों पे करेंगे। और इसे ये वीडियो कॉल करते रहते 24 घंटे में, काम है नहीं, दोस्त वोस्त बने नहीं, क्या हुआ इंडिया के बाद बस का दरवाजा खुल गया, पर हम पहुंच गए कैंपी फॉल। करते हैं देखिए आप, ये दिस यहाँ से यहाँ क्रॉस करने के लिए लाइक दे मेड अ प्लेटफॉर्म और समथिंग, सो यू कैन क्रॉस फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड इजीली। ओ क्या, क्यों इधर से चलते हैं कि आगे से क्रॉस कर लेंगे? मेरे दोस्त पागल हो गए उस चीज को देख के, ये इंडियन हो जाते थोड़े पागल, किसको क्रॉस कर। so guys, बहुत जोर की हवा चल रही है और मैं आपको व्यू दिखाऊंगा यार, सिग्नल पे हाइकिंग स्टार्ट करेंगे पूरी वाली पे। I'm just a sin, can you give me a minute? यहां से सन है और इस सन की रेसेस यहां पे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं इस पे, और कितना प्यारा व्यू आ रहा है। टॉप पे भी हम जा सकते हैं, हम पे टाइम नहीं है, पर यहाँ पे ध्यान से देख के चलना होता है क्योंकि बारिश होती रहती है यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से लगातार, तो यहाँ पे काफ़ी अजीब सा हो जाता है। वहाँ से सनसेट है और यहाँ से सनसेट की रेस पड़ रही है माउंटेन पे, जो कि टिपिकल स्कॉटलैंड का व्यू आता है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा, थोड़ा एस्थेटिक सा। गाइस हमें हिडन वाटरफॉल, हिडन क्या मतलब नॉर्मल वाटरफॉल मिला है, हम सीधे रास्ते से नहीं आए थे, अब पता नहीं ये ही मेन स्पॉट है नहीं, हम ऐसे जंगल में घुस गए थे और हमें ये वाटरफॉल मिला है यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है ये। तो हम ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि इसके बाद यहाँ पे 5 बजे बाद बसेस बंद हो जाती है, तो हमें वहाँ पे जाना है, और मेरी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो रही है, मैं जो आईफोन नहीं है कुछ महीनों में दूंगा शायद से मन करा तो, आई मेक मोर गुड ब्लॉग्स, अभी तो मैं गरीब हूँ जो नहीं हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वुड्स में आए थे, सो यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करता हूँ गाइस, बाय। से बात तो सही है, जो बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं है, जो डरे के